का स्वराज एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ रितु गहनवानी। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर के सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रीय कृषि मेले का उद्घाटन करेंगे। रायपुर में आज से 25 फरवरी तक आयोजित होगा राष्ट्रीय कृषि मेला। शाम करीब 4 बजे फल सब्जी उपमंडी प्रांगण तुलसी बारडोरा में होगा कृषि मेले का शुभारंभ। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे करेंगे। तुलसी बारडोरा में फल सब्जी उपमंडी के लगभग 32 एकड़ क्षेत्र में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कृषि मेले में छत्तीसगढ़ के अलावा देश के विभिन्न हिस्से के प्रगतिशील कृषक शामिल होंगे। मेले में कृषि के आधुनिक तौर तरीकों पर कृषि विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा होगी और कृषि और इसी के साथ ही जुड़े विभागों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, आज राष्ट्रीय कवि मेले का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या कुछ खास रहने वाला है और इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, राष्ट्रीय कृषि मेले की शुरुआत आज रायपुर में होने जा रही है और करीब शाम 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस राष्ट्रीय कृषि मेले का उद्घाटन करेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सहित तमाम छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे और ये पूरा कार्यक्रम इस बार तुलसी बारडोरा प्रांगण में किया जा रहा है। यह पहले जोरा स्थित मैदान पर जो राष्ट्रीय कृषि मेला वो होता था, पिछली सरकार भी लगातार इसका आयोजन करती थी, लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग आयोजन है। इसमें खासकर पर जो छत्तीसगढ़ से जो उत्पाद यहाँ के हैं उनको वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार के चावल हैं छत्तीसगढ़ में उसको वहाँ पर प्रदर्शनी उसकी लगाई जाएगी और जो बाहर से किसान आएंगे उनको उसके बारे में बताया जाएगा। इस कृषि मेले में देश भर के जो किसान हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के हर एक जिले से किसानों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। 3 दिनों तक किसानों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अन्य चीजों के लिए उत्पादन कैसे करना है तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो 3 दिनों के दौरान होगी। तो शाम 5 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका उद्घाटन करेंगे और ये उम्मीद जताई जा रही है कि समापन के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। जिस तरह से आपने बताया आयोजन पहले भी किए जा चुके हैं और इस बार भी किया जा रहा है, मेनली क्या क्या बदलाव होंगे और क्या लगता है कितना असरदार साबित होगा? देखिए, बदलाव की अगर मैं बात करूं तो बदलाव स्थान पर को लेकर ही है। पहले ये जो पूरा आयोजन है वो कृषि विश्वविद्यालय के सामने जोरा स्थित मैदान में होता था, लेकिन अभी जिस मैदान पर हो रहा है वो पहले से ही वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती वहाँ पर की जा रही है और लगातार वहाँ पर फल सब्जी उगाए गए हैं, तो ऐसे में उसका महत्व कार्यक्रम का ऐसे ही बढ़ जाता है। दूसरी बात, इस बार जो छत्तीसगढ़ के खासकर के जो चावल हैं, जीरा फूल की बात हो, जो अन्य जावा फूल की बात हो, तो अलग अलग जो चावल वैरायटी हैं उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि छत्तीसगढ़ में किस किस प्रकार के जो चावल का उत्पाद है वो यहाँ पर होता है, तो ऐसे में प्रमोट करने का मौका भी है और कृषि विभाग ये चाहता है कि छत्तीसगढ़ की चीजें बाहर स्टेट में जोर शोर से वहाँ पर उपलब्धता वहाँ पर हो और जो दूसरे प्रदेश के किसान हैं वो यहाँ आकर उन चीजों को अपने जगहों पर जाकर उसको वहाँ पर इस्तेमाल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार बने रहिए, अगली खबर पर भी आपके साथ जुड़ेंगे।